क्रिकेट के इतिहास में अगर सबसे शांत खिलाड़ी की बात की जाए तो उसमें एमएस धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम एमएस धोनी के फैंस के लिए एक खास खबर लेके आए हैं। अगर आप भी माई के फैन हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे किस्से सुनाने वाले हैं जब एमएस धोनी ने अपना आपा खो दिया। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके और साथ ही वीडियो को लाइक कर दें। एमएस धोनी के बारे में अगर बात करें तो एमएस धोनी को अपने शांत रवैये के चलते जाना जाता है, लेकिन परिस्थितियों के चलते कभी कभी एमएस धोनी भी अपना आपा खो देते हैं। अगर इसमें सबसे पहले किस्से के बारे में बात करें तो यह किस्सा है 2019 के आईपीएल का, जब आईपीएल में एक मैच चेन्नई और राजस्थान रॉयल के बीच खेला जा रहा था। उस समय अंतिम ओवर चल रहा था और चेन्नई की टीम को जीत के लिए 3 गेंदों में 8 रन की जरूरत थी। उसी समय बेन स्टोक्स की एक गेंद को अंपायर ने जान नो बॉल नहीं दिया। उसके बाद एमएस धोनी गुस्सा हो गई और एमएस धोनी वहीं से बीच मैदान में उतरे और मैदान पर एमएस धोनी दोनों अंपायरों के साथ में तीखी बहस करने लगे। उसके बाद यह बहस लगभग 2 से 3 मिनट तक चली और उसके बाद एमएस धोनी को एक बार फिर से पवेलियन की ओर भेज दिया गया। इसके साथ साथ एक मामला ऐसा पहले भी देखा गया जब एमएस धोनी अंपायरों के साथ भिड़ गए। यह मामला है 2011-12 के इंडिया के ऑस्ट्रेलिया दौरे के बारे में। ब्रिसबेन में यह मैच चल रहा था। उसी दौरान एक मैच में सुरेश रैना की एक गेंद को माइकल हसी ने शॉर्ट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस गेंद पर एमएस धोनी ने माइकल हसी को स्टंपिंग आउट किया और यह फैसला जैसे ही थर्ड अंपायर के पास गया तो थर्ड अंपायर ने इस फैसले को आउट करार दिया, लेकिन मैदान पर खड़े हुए अंपायर ने थर्ड अंपायर के विपरीत नॉट आउट फैसला दिया, जिस पर एमएस धोनी अंपायर के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। लेकिन उसके बाद में अंपायर को अपना फैसला फिर से बदलना पड़ा। इसी तरह से धोनी के गुस्से का शिकार न कि अंपायर होती हैं, बल्कि कभी कभी टीम इंडिया खिलाड़ी को भी धोनी के गुस्से का सामना करना पड़ा है। ऐसा ही एक मामला है 2018 में T20 मैच के बारे में, जहां पर टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज खेल रही थी। तो उसी सीरीज में एक मैच में मनीष पांडे और एमएस धोनी के बीच में 98 रन की साझेदारी हो चुकी थी। तो उसी दौरान यह बात तय 19वें ओवर की, जहां पर एक गेंद पर मनीष पांडे ने सिंगल के लिए शॉट खेला और मनीष पांडे ने इस गेंद पर एक रन लिया, लेकिन एमएस धोनी को लगा कि इस गेंद पर 2 रन आसानी से हो सकते हैं, जिसके लिए एमएस धोनी ने मनीष पांडे को बहुत ही बार इशारा किया, लेकिन मनीष पांडे का ध्यान मैदान के दूसरी तरफ था, जिसके बाद एमएस धोनी ने मनीष पांडे को चिल्लाते हुए बहुत ही ऊंची आवाज में कहा कि कहीं और ध्यान नहीं देने के बजाय मैदान पर ध्यान रखे। उस दिन पहली बार एमएस धोनी का गुस्सा देखने के बाद मनीष पांडे को भी मैच के बाद में बुखार का सामना करना पड़ा। मनीष पांडे के साथ साथ एमएस धोनी का गुस्सा कुलदीप यादव को भी सहना पड़ा है। कुलदीप यादव के बारे में अगर बात करें तो एक मैच था इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जहां पर टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 260 रन बनाए, लेकिन जवाब में श्रीलंका की टीम भी इस लक्ष्य का पीछा बहुत ही जल्दबाजी में कर रही थी। उसी बीच कुलदीप यादव को इस मैच में चौके छक्के लग रही थी, तो इसके बाद में एमएस धोनी ने कुलदीप यादव को फील्डिंग चेंज करने के लिए कहा, लेकिन कुलदीप यादव ने एमएस धोनी की बात नहीं मानते हुए एमएस धोनी को कहा कि यही फील्डिंग सही है। तो उसके बाद में एमएस धोनी ने गुस्से में कुलदीप यादव को कहा कि मैं भी यहाँ पे 300 वनडे मैच खेल चुका हूँ, मैं कोई पागल नहीं हूँ जो कि तुम्हें ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो इस तरह से एमएस धोनी भी बहुत सी बार अपना आपा खो देते हैं, लेकिन कुछ मामलों में देखा गया है कि एमएस धोनी भी किसी खिलाड़ी पर गलत गुस्सा कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला हुआ 2011 के वनडे वर्ल्ड कप के दौरान, जहां पर एमएस धोनी और युवराज सिंह क्रीज पर बैटिंग कर रहे थे। उसी दौरान एमएस धोनी ने एक शॉट खेला, लेकिन युवराज सिंह ने इस गेंद पर सिर्फ एक रन लिया। उसके बाद में एमएस धोनी युवराज सिंह पर गुस्सा हो गए कि उन्हें 2 रन लेने चाहिए थी, लेकिन देखा जाए तो वहां पर सिर्फ एक रन बनता था और इस बात को लेकर युवराज सिंह भी एमएस धोनी से बहुत दिनों तक नाराज दिखे। तो आज के वीडियो में हमने आपको कुछ किस्से बताए हैं जब जब एमएस धोनी ने अपना आपा खोया है। बाकी अगर एमएस धोनी के बारे में बात करें तो एमएस धोनी एक बहुत ही शांत खिलाड़ी हैं और एमएस धोनी को अपनी इसी कूलनेस के कारण जाना जाता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही आगे भी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।